गाइस मैं पहुंच गया हूँ हॉलीडे इन एंड आज मैं आपको हॉलीडे इन का पूरा फुल फ्लेज रिव्यू दूंगा एंड चलो देखते हैं हॉलीडे इन कैसा है। तो दिस इज़ दी फ्रंट ऑफिस एरिया। पियानो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर है हॉलीडे इन। ये जो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं ये शायद झूमर है, बड़ा झूमर। तो मेरा रूम नंबर है रूम 845 एंड चलो आपको करवाते हैं रूम का टूर। ये है लेफ्ट साइड में बाथरूम जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा एंड ये है रूम। एंड आज मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ आए हैं मेरे पापा एंड ऑल्सो चाचू। चाचू का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एवरी कॉमर्स स्टूडेंट कैन फॉलो देयर चैनल। एंड इधर हमें दिए हुए हैं क्लोजेट्स, इधर सेफ एंड ऑल्सो सम थिंग्स टू आयरन आवर क्लोथ्स। हेयर इज द वार्डरोब, यहाँ पे बैग्स रख दिया मैंने एंड यहाँ पे एक टेबल है एंड इट्स अ डबल बेड रूम एंड यहाँ पे दिया हुआ है एक स्टडी टेबल एंड ऑल्सो अ सोफा फॉर चिलिंग। टीवी भी दिया हुआ है एंड ऑल्सो इन्होंने हमें एक केटल और वाटर बॉटल्स दी हैं पानी वगैरह गर्म करने के लिए और कॉफ़ी टी वगैरह बनाने के लिए। मैंने पहले ही अपनी ब्लैक कॉफ़ी रेडी कर ली है एंड बाथरूम आप देख सकते हैं, अ कपल ऑफ टॉयलेटरीज। बाथरूम भी बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है एंड शावर इज आल्सो वेरी गुड। तो बेसिकली ये था रूम का टूर। हम 8th फ्लोर पे हैं राइट नाउ एंड आप व्यू देख सकते हैं, लास्ट टाइम भी रूम से व्यू बहुत अच्छा था और इस टाइम भी रूम से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं। यस ऑसम व्यू एंड दिस वाज ऑल अबाउट द रूम गाइस एंड आज पूरे होटल का टूर मिलेगा आपको। ये तो सिर्फ रूम टूर था एंड मैं अभी अपनी ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म करके जाता हूँ और आपको पूरे होटल का टूर देता हूँ एंड वीडियो क्लास में आपको मिलेगा प्रॉपर एंड ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट हॉलीडे इन। आप देख सकते हैं बेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है, आप लिटरली इसको ट्रैम्पोलिन की जरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड सोफ़ा भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ओके दिस इज़ द प्लेस वेयर वी हैव अ बफे एंड यस डिनर एंड ब्रेकफास्ट बफे आर इंक्लूडेड इन अ रूम। देयर ऑल्सो बार इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल्सो द स्टाफ हियर इज सुपर फ्रेंडली, आप देख सकते हैं टेबल्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। Some people sitting. तो जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि डिनर और ब्रेकफास्ट बफे इंक्लूडेड थे एंड दिस वॉज हाउ द डिनर बफे लुक्ड लाइक एंड बफे वाज सुपर अमेजिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी खाने को एंड देयर वर मैनी न्यू डिशेज विच आई ट्राइड
ग्रिल्ड फिश विद लेमन बटर सॉस वाज वेरी टेस्टी एंड आगे आपको प्रॉपर रिव्यू मिलेगा। एंड तो देखिए डिशेस काफ़ी अच्छी मतलब बनी हुई थी एंड ऑल द डिशेस वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। एक दो चीज़ें में मुझे कमी लगी बट आई इग्नोर दैट, मैं इग्नोर कर रहा हूँ उन चीज़ों को बिकॉज बाकी जो चीज़ें थी वो ओवर पावर कर देती उनको। एंड द बफे वाज सुपर अमेजिंग एंड आप देख ही सकते हैं डिशेस कितनी अच्छी लग रही हैं। तो नाउ इट्स टाइम फॉर अ रिव्यू। तो राइट नाउ मैं डिनर बफे इंजॉय कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी हैड ग्रिल्ड फिश, अमृतसरी फिश एंड चिकन, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी इनकी मतलब प्रिपरेशंस कैसी हैं। और अभी मैंने ऑर्डर किया हुआ है चिकन पिज्ज़ा एंड वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता मेरा फेवरेट है तो मैंने वही ऑर्डर किया एंड अभी आएगा तो देखते हैं हाउ इट टेस्ट। सो कीप अप, आई थिंक सो मेरा पास्ता या पिज्ज़ा आ रहा है वो देखिए। ओके माय, एज यू कैन सी माय चिकन पिज्ज़ा इज हियर। यार पिज्ज़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देयर आल्सो थिन क्रस्ट एंड फुल ऑफ चिकन। पिज्जा बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा जो क्रिस्पी थिन क्रस्ट है ना इसका, दैट्स सुपर गुड। एंड चिकन इज कुक्ड परफेक्टली, मतलब कोई कमी नहीं है। पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी आएगा पास्ता और मैं पास्ता का भी आपको रिव्यू दूंगा। तो हमारा पास्ता भी आ गया है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। मैंने पास्ता ऑर्डर किया था थोड़े से वेजेस के साथ, सो दे आर पुट इन ब्रोकली एंड चेरी टमाटो। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। अब मैं इसको करता हूँ टेस्ट। पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ी फ्लेवर है ना बीच में, इट्स जस्ट सुपर अमेजिंग। सो आई एम हैविंग डेजर्ट नाउ एंड मैं मेन कोर्स में कुछ नहीं खा रहा बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी फुल विद द स्टार्टर्स। एंड डेजर्ट में था हॉट चॉकलेट पुडिंग, शाही टुकड़ा, बेक्ड योगर्ट एंड द बेस्ट अमंग द ऑल दिस कैरेमल क्रीम केक। मीन्स अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ, केक आप मुंह में डालोगे तो मुंह में जाके घुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने केक खाया है। च्यू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा केक बना हुआ है। एंड डेजर्ट्स आर सुपर गुड एंड द फूड, ओवरऑल द फूड इज़ अमेजिंग। नाइट व्यू बढ़िया है, फ़ोन में इतना बढ़िया नहीं आ रहा बट आँखों को काफ़ी अपीलिंग लग रहा है, लाइट्स वगैरह जल रही है ना। और आज रात के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज सोते हैं, फिर कल सुबह आपको ब्रेकफास्ट बफे भी दिखाया जाएगा, पूल भी दिखाया जाएगा, जिम भी दिखाया जाएगा। बाय, गुड नाइट। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी एंड नाउ आई विल गो एंड आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट में मैंने लिया सम चिकन सॉसेजेस, हैश ब्राउन्स एंड हक्का नूडल्स एंड वी ऑल्सो हैव अ 2 to 4 लाइव काउंटर्स हेयर एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ चीज़ ऑमलेट. सो लेट्स सी हाउ द फूड टेस्ट्स. सो देयर वॉज अ लाइव काउंटर फॉर पैनकेक्स. आई ऑर्डर्ड 2 पैनकेक्स अलॉन्ग विद सम न्यूटेला एंड दे सर्व्ड इट विद ब्लूबेरीज एंड व्हिप क्रीम. ऑनेस्टली पैनकेक इतना ज़्यादा बढ़िया बना था कि आई कुडंट रेजिस्ट एंड आई एट सम. ऑनेस्टली इट्स टू गुड. दिस इज द स्विमिंग पूल एरिया ऑफ होटल हॉलीडे इन. करंटली पूल इज क्लोज बिकॉज ऑफ कोविड एंड आप देख सकते हैं होटल बहुत ही बड़ा है, 13 फ्लोर्स है. करंटली आई एम ऑन द 3rd फ्लोर एंड व्यू फ्रॉम द पूल एरिया इज ऑल्सो टू गुड. तो मैंने कर लिया है चेकआउट एंड घर पे जाके मैं आपको दूंगा हॉलीडे इन का प्रॉपर रिव्यू. एंड द ब्रेकफास्ट वॉज अमेजिंग. मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या खाया और सब कुछ कैसा था. सो व्लॉग प्लीज एंड तक देखना. तो हेयर कम्स द रिव्यू. रिव्यू मेरी तरफ से फुल मार्क्स जाएंगे होटल को. होटल में स्टे बहुत ही अच्छा था. रूम वॉज वेरी कम्फर्टेबल. द रूम में जो बेड था एंड शावर था वो भी काफ़ी बढ़िया था. एंड द डिनर एंड ब्रेकफास्ट बफे एंड द हॉस्पिटैलिटी वॉज अमेजिंग. डिनर एंड ब्रेकफास्ट बफे में जो भी मैंने आइटम्स टेस्ट की थी, ब्रेकफास्ट में तो मैंने लगभग सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था, बट डिनर में मैंने मेन कोर्स नहीं खाया था. एंड जो भी खाया था दैट वॉज वेरी गुड. एंड आप स्टे कर सकते हैं. मुझे, मैं आपको प्राइसिंग अगर बताऊं तो आई गॉट द रूम फॉर 4800 रुपीज फॉर 3 पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे विच वॉज अ वेरी गुड डील एट दैट टाइम. आप अगर कोई स्पेशल ओकेजन पे या किसी भी दिन अगर आप करवाते हो रूम को बुक, शायद आपको कोई और प्राइस पड़े, बट मुझे 4800 प्लस टैक्सीज का पड़ा रूम. एंड ओवरऑल मैं स्टे को मार्क्स दूँ, आई विल गिव अ 9/10. एंड सबसे बड़ी बात, द स्टाफ ऑफ द होटल वॉज वेरी फ्रेंडली. एंड चलो ये था रिव्यू एंड बाय बाय फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू स्टे इन हॉलीडे. बाय.